हे गाइस, क्या हालचाल। चैनल के एक और नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे इंडियंस एट ओलंपिक्स के बारे में। आज तक ओलंपिक्स मेडल जीतने वाले सभी इंडियंस को आज हम जानने वाले हैं। शायद बहुत लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा, लेकिन उम्मीद करता हूँ कि सभी इंडियंस को इन लोगों के बारे में ज़रूर पता हो। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले ओलंपिक में मेडल जीता था नॉर्मन पीचर्ट ने 1990 पेरिस ओलंपिक में। उन्होंने 16 जुलाई 1990 को मेंस 200 मीटर हर्डल्स रेस में एक सिल्वर मेडल जीता था। हर्डल्स रेस मतलब ए वाला रेस। उसके बाद 22 जुलाई को उन्होंने 200 मीटर रेस में एक और सिल्वर मेडल जीता था। फिर उसके बाद आते हैं हमारे हॉकी टीम। 26 मई 1928 को ब्रिटिश इंडियन हॉकी टीम नेदरलैंड्स को 3 गोल से हराकर गोल्ड जीता था अंडर द कैप्टनसी ऑफ जयपाल सिंह मुंडा, जो कि भारत का पहला ओलंपिक गोल्ड मेडल था। उस टीम के कुछ बेहतरीन प्लेयर थे रिचर्ड एलेन, माइकल गेटली और ध्यानचंद, जो कि द विजर्ड और द मैजिशियन के नाम से भी जाने जाते हैं। उसके बाद 11 अगस्त 1932 लॉस एंजलिस ओलंपिक में फिर से हमारी इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड अपने नाम किया था। 24 गोल देकर यूएसए को हराया था इंडिया ने। उस गेम में ध्यानचंद ने 8 और रूप सिंह ने 10 गोल किए थे, जो कि अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है जो अब तक नहीं टूटा। उसके बाद 15 अगस्त 1936 की बर्लिन ओलंपिक्स में भारत फिर से हॉकी में गोल्ड को अपने नाम किया था अंडर द कैप्टनसी ऑफ द लेजेंडरी प्लेयर ध्यानचंद। इंडिया ने फाइनल्स में 8-1 गोल से जर्मनी को हराया था। उसके बाद 1940 और 1944 की ओलंपिक गेम कैंसिल हो गई थी वर्ल्ड वॉर टू की वजह से। फिर 1948 की लंदन ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम की स्टोरी आप सब जानते ही होंगे। नहीं जानते तो अक्षय कुमार की गोल्ड मूवी देखो अभी। ये इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद पहला ओलंपिक था जिसमें इंडिया ने ग्रेट ब्रिटेन को 4 गोल से हराकर गोल्ड मेडल को अपना नाम किया था। उसके बाद 24 जुलाई 1952 की हेलसिंकी ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड जीता। लेकिन इस साल हॉकी टीम के अलावा कोई और भी था जिसने भारत को मेडल जीतवाया था। उस साल 23 जुलाई को इंडिया ने पहली बार रेसलिंग में मेडल जीता था। दादा साहेब यादव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीतकर भारत का नाम और ऊंचा किए, जो कि इंडिया के लिए बहुत ही गर्व की बात थी। फिर उसके बाद 6 दिसंबर 1956 के ओलंपिक में फिर से इंडियन हॉकी टीम ने गोल्ड जीते। लेकिन उसके बाद 1960 के रोम ओलंपिक में इंडिया का प्रदर्शन थोड़ा सा खराब था। इंडियन हॉकी टीम फाइनल्स में 1 गोल से पाकिस्तान से हारकर सिल्वर मेडल जीता था। उसके बाद 1964 की टोक्यो ओलंपिक में इंडियन हॉकी टीम ने फिर से कमबैक किया एंड फाइनल्स में पाकिस्तान को हराकर गोल्ड जीते। ये टीम का 7वां गोल्ड मेडल था। 1968 एंड 1972 के ओलंपिक्स में इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीते थे एंड फिर से 1980 की मॉस्को ओलंपिक्स में स्पेन को हराकर इंडियन हॉकी टीम ने फिर से गोल्ड अपने नाम किए। उसके बाद 3 अगस्त 1996 अटलांटा ओलंपिक्स में लेंडर पीज ने टेनिस में भारत को ब्रॉन्ज मेडल दिया था। उसके बाद 19 सितंबर 2000 की सिडनी ओलंपिक्स में कन्नम मलेश्वरी ने वुमेन्स वेट लिफ्टिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे और वो इंडिया की पहली महिला थी जिन्होंने ओलंपिक्स में मेडल जीता था। उसके बाद 17 अगस्त 2004 में राजवर्धन सिंह राठौर ने मेंस डबल ट्रैप शूटिंग में सिल्वर मेडल जीते थे। 11 अगस्त 2008 की बेंजिंग ओलंपिक्स में अभिनव बिंद्रा ने मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में गोल्ड मेडल को अपने नाम किए और उसी ओलंपिक में विजेंद्र सिंह ने 20 अगस्त को बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता एंड सुशील कुमार ने मेंस फ्रीस्टाइल 66 केजी रेसलिंग में 21 अगस्त को भारत को एक और ब्रॉन्ज मेडल जितवाया था। उसके बाद 2012 की लंदन ओलंपिक्स में सुशील कुमार ने फिर से रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीते थे। इस ओलंपिक में इंडिया के पास बहुत सारा मेडल आया था। विजय कुमार ने मेंस
25 मीटर रैपिड फायर पिस्टल शूटिंग में सिल्वर मेडल जीते थे। और उसी साल साइना नेहवाल ने 4 अगस्त को बैडमिंटन में एक ब्रॉन्ज मेडल जीता था एंड मैरी कॉम ने इसी साल में बॉक्सिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। उसके बाद गगन नारंग मेंस 10 मीटर एयर राइफल शूटिंग में और योगेश्वर दत्त रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 19 अगस्त 2016 की रियो ओलंपिक में पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में सिल्वर मेडल जीते थे और साक्षी मलिक ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीते थे। मैंने पीवी सिंधु और साइना नेहवाल की कंपैरिजन वीडियो भी बनाया है, आप लोग चाहे तो देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और इस साल के ओलंपिक के बारे में सब जानते ही होंगे। सबसे पहले 24 जुलाई 2021 को मीराबाई चाऊ ने वेटलिफ्टिंग में सिल्वर मेडल जीते थे। उसके बाद 1 अगस्त को पीवी सिंधु ने बैडमिंटन में एक ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद 4 अगस्त को लवलीना बोरगोहेन ने बॉक्सिंग में एक ब्रॉन्ज मेडल, उसके बाद 5 अगस्त को रवि कुमार दहिया ने रेसलिंग में सिल्वर मेडल जीता था। उसी दिन इंडियन हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज मेडल भी जीते थे। और 7 अगस्त को बजरंग पुनिया ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसी दिन हमारे नीरज चोपड़ा ने जैवलिन थ्रो में भारत को गोल्ड मेडल जितवाया था। ये थे इंडिया के सब ओलंपिक विजेता, अभी तो और मेडल आना बाकी है। यहाँ तक वीडियो को देखा है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना ऐसे और वीडियो के लिए। पहली बार वॉइस रिकॉर्डिंग करके वीडियो बनाया है तो कोई भूल हो गई हो तो माफ़ कर देना। ओके, बाय गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।